इन दिनों चोटी काटने वालों का भय बना हुआ है, वहीं गांव पांडवान के ग्रामीणों के मन में बंदरों का आतंक इस कदर छाया हुआ है कि लोग खेतों व अन्य कार्यों पर जाने की बजाय अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लाठियां लिए छतों गलियों में घूम रहे हैं। गत 10 दिनों के दौरान 22 महिलाएं और एक बच्चा बंदरों के आतंक का शिकार बन चुके हैं। कई महिलाओं को तो बंदरों ने इतनी बुरी तरह से काटा है कि उनका उपचार हिसार और दिल्ली के निजी अस्पतालों में चल रहा है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए बंदरों को पकड़वाकर कहीं दूर छुड़वाने की मांग की है। पिछले काफी समय से बंदर ग्रामीणों को परेशान करते आ रहे हैं। पहले जहां बंदर छत पर सूख रहे कपड़े उठा ले जाना, फल सब्जी आदि ले जाते थे, वहीं अब ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय से गांव में करीब 2 दर्जन ऐसे बंदर आए हुए हैं जो लाठी दिखाने के बाद भी भागने की बजाय काटने को दौड़ते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पूर्व कोई बाहरी क्षेत्र से पकड़कर इन बंदरों को गांव में छोड़ गया है। करीब 2 दर्जन की संख्या में ये बंदर पूरे गांव में आतंक मचाए हुए हैं। ये बंदर इतनी बुरी तरह से हमला करते हैं कि 1-2 व्यक्ति तो घायल को बंदरों के चुंगल से छुड़वा भी नहीं पाता। आजाद टीवी न्यूज के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। हमारे गाँव पांडवाड़ में बंदरों ने बहुत ज्यादा आतंक फैलाया हुआ है। सब आते जाते लोगों को फड़ रहे हैं और पहले तो खाने पीने की चीज़ें उठा रहे थे और अब बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाते हैं तो उस पर भी हमला कर देते हैं और घर में कहीं भी निकलने नहीं देते हैं और कम से कम 40-50 आदमी और औरतों को फाड़ लिया है। गांव पांडवाड़ में बंदरों ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है। कृपया करके इन बंदरों को यहाँ से भगाने का कष्ट करें आप। यहाँ पे बहुत जैसे बच्चों को भी फाड़ते हैं, स्कूल में भी नहीं जाने देते बच्चों को, ना खाना खाने देते, घर में सभी चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारे गांव में बंदरों ने इतना आतंकवाद फैला रखा है कि बच्चे भी परेशान हैं और बूढ़े भी, लुगाई भी, सब परेशान हैं। स्कूल में बच्चों को लेकर जाते हैं, उनसे हमें खतरा है बंदरों से, और बच्चों को लेकर भी आते हैं, लड़ ले करके छोड़ के आते हैं। मेरे गांव में बंदरों ने बहुत बुरी तरह से आतंक मचा रखा है, बहुतों को तो पाड़ लिया है। पहले तो ये जान माल का नुकसान कम करते थे, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें उठाते थे, अब जान माल का इतना खतरा हो गया कि भय के छाए में जी रहे हैं। हर घर भय से मुक्त हो सके, इसलिए हम कल SDM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे।